A very good morning, dear student. Today we will discuss the next numerical based on fuel and combustion. Why weight? Air needed by weight. Weight वाले हम जो कर रहे हैं तो उसमें question is the percentage composition of coal sample is carbon 80%, hydrogen 4%, oxygen 3%, nitrogen 3%, sulfur 2%, ash 5%, moisture 2%. Calculate the air needed for complete combustion of 1 kilogram of coal. Coal का amount दिया है 1 kilogram of coal. और एक इसमें एक और addition, एक condition बताई है, if 60% air is supplied. यहाँ पर एक ये थोड़ा सा अपन इसमें modify करेंगे. इस type के questions भी आते हैं कि 60% air excess में दी या 40% दी, तो उसमें हमको कितनी air नीडेड हो कि ये सारा कैलकुलेशन रहता है. तो देखिएगा, इसको हम पहले, सबसे पहले इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कम्बस्टेबल हैं, कुछ नॉन कम्बस्टेबल हैं. तो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन से कम्बस्टेबल हैं. तो जो जो कम्बस्टेबल हैं उसमें ही कम्बशन होगा, उसमें ही ऑक्सीजन नीडेड होगा, बाकी में नहीं होगा. तो कार्बन कम्बस्टेबल है, हाइड्रोजन कम्बस्टेबल है, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसको तो हम माइनस ही करते हैं. नाइट्रोजन नॉन कम्बस्टेबल है, इसका कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, कम्बशन में कोई रिएक्शन नहीं होगा. सल्फर इज कम्बस्टेबल मटेरियल. ऐश मॉइस्चर सब नॉन कम्बस्टेबल है. तो नाइट्रोजन ऐश मॉइस्चर ये इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी कम्बशन नहीं होता, इस वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. अब कार्बन का परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज जो आपको ऑलरेडी दी है उसके अमाउंट निकालेंगे. तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 80%. तो कितना हो जाएगा, 80/100. और टोटल जो कोल की अमाउंट है वो कितनी है, 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1000 ग्राम. तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 800 ग्राम. ये किसका अमाउंट आ गया, कार्बन का. फिर सेकंड हाइड्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन में कितना परसेंट दिया हुआ है, हाइड्रोजन 4%. तो हम करेंगे 4/100 × 1000. 1000 क्या है, टोटल कोल की अमाउंट हो गया. तो वो 1000 से, तो इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 ग्राम. और ऐसे ही सिमिलर सल्फ़र का करते हैं तो सल्फ़र इसमें कितना दिया हुआ है, 2%. तो 2% मीन्स कितना हो जाएगा, 2/100 × 1000. तो आंसर आ जाएगा 20. तो ओवरऑल यदि पूरे का इसको हम यदि प्लस करते हैं तो अच्छा हाँ, बाकी की सब चीज़ें इसमें क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट से वो निकल गए. कम्बस्टेबल जो भी है उसको हमने ले लिया यहाँ पर. और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या उसका तो कोई सिर्फ अमाउंट निकालना है. तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 3%. तो 3/100 × 1000. तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 30. तो इतना जो है अमाउंट, सबके ग्राम में ये अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं जो कि कम्बशन में यूज़ हो रहे हैं. अब कम्बशन रिएक्शन हम सबका लिखते हैं. तो कार्बन का हम लिखते हैं, तो कार्बन जब कंप्लीट कम्बशन होता है कार्बन का, तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन का यदि हम देखें तो क्या है कम्बशन रिएक्शन, हाइड्रोजन सबके ये सेम होते हैं, इसमें तो एक ही बार आपको तैयार करना है, फिर आपको बार बार कोई चेंज उसमें नहीं आएगा. सल्फ़र का जब हम करते हैं तो सल्फ़र रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फाइनली सल्फर डाइऑक्साइड इज़ फॉर्म. ये इसके कम्बशन रिएक्शन हो गया, कॉमन होते हैं. अब इनके सबके हम लिखते हैं मास. तो कार्बन का मास है 12, इसका 32, ये भी फिक्स होते हैं वैल्यू. इसका हाइड्रोजन का 2, इसका चूँकि 32 का हाफ है तो 16. सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का भी 32 होता है. अब ये चूँकि इनके मास की नीडेड है तो इस वजह से हम इनका नहीं लिख रहे, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है. 44 है, 18 है. तो यहाँ पर अब इसमें जब हम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपॉन कार्बन का वेट लेंगे. तो ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 32, कार्बन का हो जाएगा 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अमाउंट से 800. तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 2133.33 ग्राम.
ये आपका हमेशा आंसर किस में आ रहे हैं, सब ग्राम में आएंगे, क्योंकि हम अमाउंट भी ग्राम में ले रहे हैं और ये वाले वेट भी हम ग्राम में ले रहे हैं। फिर दूसरा है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, तो कितना हो जाएगा 16Y2। ये भी फिक्स होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हाइड्रोजन का फिक्स, कार्बन का फिक्स, सिर्फ अमाउंट बस चेंज होगा। अमाउंट कितना है 40, तो 40 को हमने यहाँ से जब मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा 320 ग्राम। फिर इसके बाद थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा सल्फ़र, तो सल्फ़र में क्या है 32 बाय 32, ये क्या है दोनों का यहाँ पर 32 बाय 32, ये हमने किया, इसको इंटू करेंगे 20 से 20, इसका क्या है अमाउंट है, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 ग्राम। ये तो इतना नीडेड है, इन सब को हम प्लस कर दें, यदि हम इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2473.3 ग्राम। ये हो गया इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, पर ये इतना 30 ग्राम क्या है कोल में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस वजह से उसको हम माइनस कर देंगे, तो 30 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो आंसर हमारा बन जा रहा है 2443.33। ये इतने ग्राम हमारे को क्या है ऑक्सीजन नीडेड है। अब ऑक्सीजन नीडेड है, हमको निकालना है एयर, तो इतना तो हमने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड में हमने लिख लिया कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिखे, सभी की अमाउंट कैलकुलेट की, कंबशन रिएक्शन लिखा और ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है एयर रिक्वायर्ड, तो एयर रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर रही हूँ, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि बाय वेट ऑक्सीजन जो है वो एयर में 23% प्रेजेंट होता है, तो हमने ये निकाला है, वो क्या निकाला है नेट ऑक्सीजन, हमको चाहिए है एयर नीडेड, तो एयर नीडेड या एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनेगा हमारा एयर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना है अमाउंट 2443.33, और इसको फिर हमने कितना हमारा एयर निकाल रहे हैं, तो एयर कितना है ऑक्सीजन कितना 23% है, चूँकि एयर निकाल रहा है इसलिए 100 बाय 23। अब इसमें एक और कैलकुलेशन जो अपने को प्लस करना है, 60% एक्सेस एयर है, 60 एक्सेस बोला है, तो 100 का 60% एक्सेस मतलब 160 बाय 100, तो इसका पूरा सॉल्यूशन करने पर आंसर आता है 16996.9, ये करीब करीब इसका ये आंसर है, मतलब इतने ये क्या है ग्राम में, तो अब इसको जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16.99, मतलब करीब करीब अप्रॉक्स 17 किलोग्राम के करीब करीब आंसर यहाँ पर आएगा। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, कहीं भी डाउट है कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।